कान्हा मेरा लल्ला, तू चिंता मत कर, तेरी मैया तो है ना, मैं तो तुझसे सदैव उतना ही प्रेम करूंगी जैसे आकाश अंतहीन होता है ना, वैसे ही तेरी मैया का प्रेम तेरे लिए अंतहीन है, अथाह है। आप सही कह रही हो मैया। वैसे एक सत्य ये भी है कि इस संसार की हर मैया की संतान में तू और हर जननी है मेरी मैया। आना छोड़ो, जो ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाओ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है। मुझे नहीं पता, बताओ ना दाओ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है, बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। दाऊ का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें मनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा, स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। दे दे तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे कर दो? ये मेरी ओर से, ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया। अब तो मुझसे क्रोधित ना हो ना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए थे मुझे, मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम वन जाने से पहले दे सकते है ना? भूल हो गए दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान्हे को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है दाऊ, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है।